तो स्टीरियो केमिस्ट्री आता है बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक सीखने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री आपको सबसे पहले सीखने की ज़रूरत होती है। तो व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री? तो उसने बोला द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उसने बोला द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द स्पेस। स्पेस के अंदर, स्पेस कोई भी स्पेस होगा उसके अंदर एटम कैसे अरेंजमेंट हैं उनको स्टडी करना स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल उसने दिखाया कि कार्बन है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, दो प्लेन में होते हैं, एक अबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो ये अबोव द प्लेन कहलाएगा, अबोव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन, डॉटेड लाइन वाला बिलो द प्लेन, और ये इन द प्लेन कहलाते हैं, इन द प्लेन में आएंगे। तो उसने बोला द सॉलिड लाइन शोज दैट द ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स आर अबोव द प्लेन्स। मतलब सॉलिड लाइन वाले ये वाले, ये वाले ये दैट इज कॉल्ड अबोव द प्लेन, और ये वाले बिलो द प्लेन। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको समझ में आया कि एटम्स का और ग्रुप्स ऑफ एटम का स्पेस में कैसे अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। अगला आता है इसमें आइसोम, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में क्या होगा वो देखना है। तो इसमें द प्रोसेस इन विच द टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। उसने बोला द प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने बोला आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म ये होगा द प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल आपका आएगा इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन। इथेनॉल ये आपका है इथेनॉल, CH2 OH, CH3 OH, CH3। ये इथेनॉल है आपका, ये मिथॉक्सी मीथेन है, दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल, और ये मिथॉक्सी मीथेन। तो आइसोमेरिज्म, इसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये था आइसोमेरिज्म आपका, जिसमें द प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म।
टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इसमें आएगा पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या आएगा। पहला टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टाइप आएंगी इसकी 5-6 टाइप आएंगी इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो इसमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म तो इसमें दो आएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बताया मैंने सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसने बोला था आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखेंगे एक आपका पास CH3, CH2, CH2, CH3, मतलब आप इसमें फॉर एग्जांपल कैसे स्ट्रक्चरल CH3, CH2, CH2, CH3। अगर आप CH3, CH, CH3, CH3 एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, तो C4 सभी में चार कार्बन, तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात और तीन दस, तीन तीन नौ और एक दस, H10 सभी में C4H10 सभी में C4H10 सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में चेन आइसोमेरिज्म आएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म आएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आएगा, मेटामेरिज्म आएगा और टोटोमेरिज्म आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसमें आएंगे चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटा और टोटोमेरिज्म। तो सबसे पहले जो आपका आता है क्या, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म पहला टाइप में चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, चेन आइसोमेरिज्म वही सेम बात
इसमें आएगा डाइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट इन अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम। डाइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। वही एग्जाम्पल सेम CH3, CH2, CH2, CH3, 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 CH3। तो ये जो आइसोमेरिज्म होगा इसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। अगला इसमें आता है पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, दूसरा तो पोजिशन आइसोमेरिज्म में भी सेम बात रहेगी, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप इन ए चेन। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी टाइप है ये पोजिशन आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट इन पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप अलोंग द सेम कार्बन एटम। द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट इन पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप। पोजिशन जो कार्बन चेन के अंदर जो पोजीशन आएगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की, वो डिफरेंट आएगी, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल 1-butene एंड 2-butene, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो दैट इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिज्म। 1-butene एंड 2-butene, दैट इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिज्म। तीसरा इसमें आता है एक जैसे 1-propanol और 2-propanol। 1-propanol और दूसरा आएगा आपके पास CH3CHOHCH3। 1-propanol 2-propanol, तो ये भी इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंट जगह पे फंक्शनल ग्रुप है। पहले तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे है, दूसरे नंबर पे कार्बन पे है, दैट इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिज्म। अगला आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसमें आप देखेंगे डाइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा इसमें आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, डाइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला
हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला तक सभी में आएगा। पहले आपने चेन सीखा, उसके बाद पोजिशन सीखा, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म आप सीख रहे हैं। बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही आपका डिफरेंट आएगा इसमें। दैट इज कॉल्ड, एक बार आपके पास देखेंगे CH3CH2OH, इसमें अल्कोहल और यहाँ पर ईथर आपके पास आ जाएगा। 3 3 6 7, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगला आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या आएगा, द आइसोमर इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट इन द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का अगला टाइप आता है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में आप देखेंगे द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ इसमें फंक्शनल ग्रुप है ईथर, इसमें एक साइड और दूसरी साइड कार्बन चेंज के में डिफरेंस पाएगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगला इसमें आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इट डाय एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, विद ईच अदर बट डिफर इन डिफर फ्रॉम ईच अदर Differ from each other। देखना इसमें द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ वन ऑफ द एटम, ऑफ वन ऑफ द एटम, ऑफ द ऑफ वन ऑफ एटम इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। पेपर में टोटोमेरिज्म मेटामेरिज्म इनकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आप बता सकते हैं सीधा द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स
हैव सेम मोलिकुलर एंड एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। तो ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कैसे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से डिफर करेंगे ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल इसमें है CH3 एसीटोन वाला, ये एग्जाम्पल है टोटोमेरिज्म का। तो ये है टोटोमेरिज्म, ये टोटोमेरिज्म में एग्जिस्ट करेंगे आपस में, दैट इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। और पांचवा जो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म पांचवा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफर इन साइक्लिक एंड ओपन चेन इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आएगा द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफर इन साइक्लिक एंड ओपन चेन। फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल है, मतलब CH2, ये, और दूसरा CH3, CH डबल बोन CH2, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा इसका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आपकी दो टाइप आएंगी, एक तो आएगा क्या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक आएगा कन्फ्रिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। और फिर कन्फ्रिग्रेशनल में आपके फिर दो टाइप आएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगला टॉपिक होगा आपका